हेलो गाइज, आई एम अपने त्रिपाठी एंड आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू वेरीफाई जीमेल अकाउंट। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने जीमेल में फोन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं या फिर आप लोग अपना जीमेल भूल जाते हैं तो अपने फोन नंबर की मदद से दोबारा से जीमेल को रिकवर कर पाए। जीमेल को फोन नंबर से वेरीफाई करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग क्रोम ब्राउजर ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल अकाउंट, तो गूगल अकाउंट आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लोग गूगल अकाउंट सर्च कर देंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गूगल अकाउंट का ऑप्शन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं www.google.com कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा गो टू गूगल अकाउंट, तो सिंपली आपको गो टू गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जीमेल का लोगो देखने को मिलता है कॉर्नर पे, आप लोग देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल फोन में जितने भी जीमेल्स होंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इसमें से जिस भी जीमेल को वेरीफाई करना चाहते हैं फोन नंबर से, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट में एक जीमेल है, इसको मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसका देख सकते हैं लोगो चेंज हो चुका है। अभी इसको मैंने न्यू जीमेल को बनाया है फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए, स्पेशली इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, देख सकते हैं ये जो है ओपन हो गया है, वेलकम अभिनव त्रिपाठी लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देख सकते हैं होम के बाद आपको देखने को मिलता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देखने को मिलेगा एड अ रिकवरी फोन टू हेल्प कीप योर अकाउंट सिक्योर, ठीक है। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोन नंबर, उसके बाद में नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा यूज योर फोन नंबर फॉर अकाउंट रिकवरी सो डेट यू कैन गेट अकाउंट सिक्योरिटी अलर्ट एंड रिसेट योर पासवर्ड इफ यू फॉरगेट इट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग अपने फोन नंबर की मदद से अपने जीमेल को दोबारा से रिकवर कर पाएंगे अगर आप लोग जीमेल को भूल गए हैं या फिर आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं, तो पासवर्ड को भी आप लोग फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड नाउ का ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ ऐड नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ऐड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बोलेगा आपको अपना पासवर्ड फिलअप करने के लिए, तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिलअप कर देना। अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप लोग फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, उसके बाद में आपके जीमेल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप फिलअप करके आप लोग दूसरा पासवर्ड जो है क्रिएट कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मुझे अपना पासवर्ड जो है पता है, तो मैं पासवर्ड को अपने फिलअप कर देता हूं। मैंने अपना जो पासवर्ड है उसको फिलअप कर दिया है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहां नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली इसको आप लोग नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहां से आप लोग अपने जीमेल में फोन नंबर को ऐड कर पाएंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोबारा से ऐड नाउ का ऑप्शन जो आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फोन नंबर को इंटर करने के लिए ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटर फोन नंबर लिखा हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं जो है फ्लैग बना हुआ है, तो यहाँ से इंडिया से हूं मैं, तो देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग बना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप लोग जिस भी कंट्री से होंगे उस कंट्री को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया से सिलेक्ट है पहले से, और यहाँ पर देखने को मिलेगा इंटर फोन नंबर, तो जहां इंटर फोन नंबर लिखा है वहां पर आपको अपना जो फोन नंबर है उसको फिलअप कर देना है। तो अपने फोन नंबर को मैं फिलअप कर देता हूँ। फोन नंबर को फिलअप करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट कोड का ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ से आपको गेट कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपके फोन नंबर पे कोड जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं देखने को मिलेगा एंटर द कोड, यहाँ पर आपको कोड जो है फिलअप कर देना है। देख सकते हैं मेरे फोन नंबर पे कोड आ चुका है, तो मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। कोड को फिलअप करने के बाद उसके बाद में नीचे की तरफ आपको वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको वेरीफाई कर देना है। देख सकते हैं जैसे मैंने वेरीफाई किया, उसके बाद में ये जो मेरा फोन नंबर है मेरे जीमेल में ऐड हो चुका है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है मेरा जीमेल फोन नंबर से। यहां से मैं बैक आता हूं, बैक आने के बाद मैं आपको बताता हूं कैसे आप लोग अपने जीमेल में एक सेकंड जीमेल को भी ऐड कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट में रिकवरी जीमेल को ऐड करने के लिए आपको यहां ऊपर की तरफ सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर चले आना है। जैसे आप लोग सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिकवरी ईमेल,
तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ से आप लोग रिकवरी ईमेल को ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं देखने को मिलेगा रिकवरी ईमेल, और यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल है कोई सेकंड ईमेल आपके मोबाइल फोन में होगा तो उसको आप लोग यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो है फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपका जो रिकवरी ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहां पर ओटीपी मिलेगा, तो आपके मोबाइल फोन में अगर वो ईमेल होगा तो वहां पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप लोग उस ओटीपी को फिलअप करेंगे आपका जो ईमेल है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आई होप आपको इंफॉर्मेशन एंड वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।